जी हमारे साथ हैं इस वक्त शाहिद खान आफरीदी हु इज रिप्रेजेंटिंग जम्मू जांबाज। बहुत सारी बातें उनसे करनी है। लाला, पहली टीम, पहला सीजन है जम्मू जांबाज का, तो क्या स्ट्रेटजी है? ये तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि व्हाट डज जम्मू जांबाज स्टैंड फॉर। वेल, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा केपीएल की मैनेजमेंट को, क्योंकि पहला सीजन बहुत जबरदस्त रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि दूसरा सीजन भी हमारा उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। जम्मू जांबाज हमारी नई फ्रेंचाइज है। चेयरमैन साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक क्रिकेट से प्यार करने वाले, इस मुल्क के से बहुत प्यार करने वाले, इस मुल्क के लोगों से बहुत प्यार करने वाले, और इनकी कोशिश है कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो नया टैलेंट है, जो हमेशा हम बात करते हैं टैलेंट के हवाले से, वो सामने आना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे खुशी है कि मैं इनकी किंगडम वैली जो है उनका हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह ये साल सीजन अच्छा गुजरेगा हमारा। अच्छा, लास्ट सीजन आपने जितवाया था अपनी टीम को कप्तान के तौर पे, अब इस साल क्या आपका रोल होगा? और क्योंकि आपसे ज्यादा उम्मीदें आपसे ही हैं, क्योंकि ये पहला सीजन है जम्मू जांबाज का, तो लोगों को है कि लाला है तो मेरे ख्याल में लास्ट सीजन अच्छा था हमारा। हमारे कोई इतने बड़े नाम नहीं थे टीम में, लेकिन एज ए यूनिट खेले तो जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आए। इस बार मेरी कोशिश है कि क्योंकि मेरी सर्जरियां होनी है, सर्जरियां कराना नहीं चाह रहा इस उम्र में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 मैचेस खेलूं। बाकी जो हमारी टीम के नए प्लेयर्स होंगे, नया टैलेंट होगा, कोशिश करूंगा कि उनके साथ मिलके काम करूं क्रिकेट के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि वो बच्चे मोटिवेट हो सकें, उन बच्चों को मैचेस किस तरह खेलने हैं, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कैसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, लाला यू लुक यंग एज एवर। क्विकली अब जरा बता दें कि अब क्योंकि ड्राफ्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, किस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए आप जाना चाह रहे हैं? वेल, क्योंकि आप 100% श्योर नहीं होते कि आपके पास कौन से प्लेयर्स आएंगे, हमारी कोशिश यही है कि बैटिंग, बॉलिंग एंड देन हमारी जो पावर हिटिंग हमारे पास होनी चाहिए। फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली डिमांड होती है कि फास्ट बॉलर्स जो आखिर में डेप्थ में अच्छी बॉलिंग करते हैं। नजर है आपकी, कुछ बताएंगे? मेरे तो बहुत सारे लोगों पे नजर है। चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहो। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बड़े इंपॉर्टेंट सीजन है, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।